हाय गाइस, आई एम सोंगिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको टाइटल देख के पता चले गया होगा आज हम बात करने जा रहे हैं वियतनाम के आइटनरी के बारे में। कैसे कैसे आप क्या क्या प्लान कर सकते हैं और आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ पे एंड कर सकते हैं, कैसे अपनी प्लान को अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो वियतनाम जो है ना वो स्ट्रेट कंट्री है, मतलब वो विड्थ वाइज ज़्यादा नहीं है पर वो लेंथ वाइज ना वो लंबी कंट्री है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आ सकते हो या फिर नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जा सकते हो। मतलब आप हनोई में लैंड करके पूरा सिटी उनके कवर्स करते हुए या तो हो ची मिन्ह में आप एग्ज़िट कर जाओ या फिर आप हो ची मिन्ह से एंट्री करो और आप सारी कंट्रीज़ ऊपर की ओर कवर करते हुए आप हनोई से एग्ज़िट कर जाओ। तो हमने हनोई से एंट्री किया था और हो ची मिन्ह से एग्ज़िट किया था। उसका मेन स्पेसिफिक रीज़न ये था क्योंकि हम मतलब कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम हमेशा वहाँ की लाउंज एक्सेस करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत 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 यम फूड और वहाँ का फूड और वहाँ का ड्रिंक्स मिलता है। तो और हाँ, प्रायोरिटी पास कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपका नंबर लिखा रहता है, कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपकी नाम लिखी होती है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो ये प्रायोरिटी पास बिल्कुल फ्री मिलता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, HDFC का, कोटेक का, पंजाब नेशनल, यस बैंक, जो भी आप लिस्ट देख लेना आपकी बैंक प्रोवाइड कराती है या नहीं, क्रेडिट कार्ड पे आपको ऐसी मिल जाती है। हम जब सिंगापुर गए थे उसके पहले हमने ये प्रायोरिटी पास लिया था क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि उनके सिंगापुर के एयरपोर्ट पे ना बहुत अच्छी अच्छी लाउंज थी, तो इसलिए उस टाइम हमने ये लिया था और सच में वो बहुत अच्छी होती है। तो हमारा मेन इसी रीज़न से हमने हनोई से एंट्री की थी और हो ची मिन्ह से एग्ज़िट किया था क्योंकि सिर्फ हो ची मिन्ह में ही उनकी प्रायोरिटी पास की लाउंज है और कोई भी एयरपोर्ट में उनकी प्रायोरिटी पास की लाउंज नहीं है। उनकी जितनी भी लाउंजेस है वो सारी बैंक्स की है। हमने वहाँ पे जाके चेक भी किया था कि मे बी कुछ डोंग देकर, वियतनामीज डोंग देकर हम वहाँ पे एंट्री करें, पर उन्होंने बताया कि नहीं, वो सिर्फ उस स्पेसिफिक बैंक के क्रेडिट कार्ड, बैंक के कार्ड होल्डर्स के लिए ही है। तो बैक टू आर आइटनरी, हम 21st की रात में निकले थे और 22nd की सुबह सुबह हम वियतनाम पहुंच गए थे और हम हनोई में रुके थे। तो हनोई में हम रुके थे 22nd, 23rd, 24th और 25th को हम वहां से निकल गए थे दनांग के लिए। तो इस चार दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां पे बहुत कुछ है। हमने स्टार्ट किया था टेम्पल ऑफ लिटरेचर से। और हाँ, अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो सबसे पहले आप ये करना ना, क्योंकि वहाँ पर ना मेन ये है कि वहाँ पर ज़्यादा मेट्रो नहीं है और आपके पास टाइम कम होगा, राइट? तो आप बस से कितना ही ट्रैवल करोगे, तो इट्स बेटर कि आप एक स्कूटी रेंट कर लेना और स्कूटी से आप पूरे सिटी को काफ़ी जल्दी जल्दी और विद इन टाइम आप बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो। हाँ, तो हमने उन चार दिनों में कौन कौन सी जगह हमने कवर की थी, तो हमने हो ची मिन्ह मॉज़ोलियम कवर किया था, पगोड़ा बट थाप हमने कवर किया था, फिर हमने वुमेन लिटरेचर म्यूज़ियम किया था, फिर हमने वाटर पपेट किया था, फिर उसके बाद 23rd को हमने पूरा दिन हलोंग क्रूज़ किया था। तो हमने क्लुक पे देखा था और बहुत सारे वीडियोस भी हम देख के गए थे। तो वहाँ पे वो होटल में भी आप जाके ना वहाँ पे भी सेम आप क्रूज़ बुक कर सकते हो। प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं आता है, जितना आप क्लुक पे देखते हो उतना ही आपका वहाँ पे भी रहता है, बट एटलीस्ट वहाँ पे अगर आप होटल से कराते हो तो आपको एटलीस्ट पता रहता है कि हाँ, वो होटल वाले थोड़ा ना आपको थोड़ा आपके साथ मैच करते हैं, आपको कॉल कर देंगे, आपको अगर आपकी मिस हो जाती है तो आपको वो कहीं और से पिकअप करा लेंगे। और ना मतलब वियतनाम के लोग टाइम के बड़े पक्के होते हैं, अगर उन्होंने कह दिया 7:30 बजे तो वो 7:30 बजे आ जाएंगे, बहुत पक्के होते हैं, बहुत ज़्यादा ही पक्के होते हैं। तो वो लिमोजीन भेजते हैं आपको पिकअप करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए। तो वहाँ हमारी छूटते छूटते रह गई थी, पर फिर होटल वालों ने कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने हमें दूसरी जगह ले जाके उन्होंने हमें पिकअप कराया। एक दूसरी जगह पॉइंट था वहाँ पे उन्होंने पिकअप कराया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप हनोई में कहीं रुक रहे हैं ना तो आप प्रेफर करिए कि आपको ओल्ड क्वार्टर जो है ना वहीं पे कहीं आसपास में रुकने को मिले, मतलब वहीं पे आप होटल का सिलेक्शन करिए। रूम तो अरे छोटे मिलेंगे पर ठीक है ना, रूम में रहता ही कौन है ना वेकेशंस पे, तो हम तो मोस्टली सोने के लिए आते हैं, तो इट्स फाइन, रूम थोड़े छोटे होते हैं, दैट्स फाइन। पर आप मतलब हर एक सिटी जितने भी अट्रैक्शंस है ना, अट्रैक्शंस हैं उनके एकदम पास ही रहेंगे आप, तो इसलिए आप ओल्ड क्वार्टर में होटल्स लेने का प्रेफरेंस करें।
फिर 23 को पूरा आप हलोंग बे करेंगे, हलोंग बे का क्रूज़, तो आपको पूरा दिन लग जाएगा और वो लोग रिटर्न होते होते 9-9:30 ऐसा बच जाता है, तो उस दिन तो आपका पूरा बुक ही हो गया। फिर आपके 24th की बात आई, तो 24th को आप ट्रेन स्ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप हमने क्या किया था, हमने वहाँ का जो प्रिजन है वो हमने किया था, और फिर हमने सिटी एक्सप्लोर किया था, क्योंकि वहाँ मतलब वियतनाम ऐसी जगह है ना, वहाँ पे आपको खाना खाने का बहुत सारा वेरिएशन मिल जाएगा, और हम लोग बहुत बड़े फूडी हैं, हम लोग एक एक खाना का मतलब हम लोग हर एक चीज़ मतलब कुछ भी छोड़ते नहीं है, हर एक चीज़ हमें ट्राई करनी है, हर एक चीज़ हम खाते हैं। तो हाँ, तो हम बस वही सिटी एक्सप्लोर किए, और हमारे पास स्कूटी तो था ही, तो हम एक एक कॉर्नर जाके उनके जो प्रॉपर वो वेजीज का शॉप्स होता है, जैसे इंडिया में होता है ना रोड साइड पूरा वेजीज का शॉप लगता है, वैसे हमने पूरा वैसे एक्सप्लोर किया था, मतलब मज़ा आया था। और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो हाँ। और उसके बाद फिर आप 25th को आप वेस्ट लेक कर सकते हो, परफ्यूम पगोड़ा कर सकते हो, त्रान को आप पगोड़ा कर सकते हो, और फिर रात में आप उनकी सैटरडे संडे को एक वीकेंड मार्केट लगती है, तो आप उसमें शॉपिंग कर सकते हो। तो मुझे आप बात करें तो ऑलमोस्ट जो आपकी प्राइस इंडिया में है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस आपको वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल जाती है मोस्ट ऑफ द चीज़ें। तो अगर आप शॉपिंग लवर हैं तो आपके लिए वो दिन तो पक्का से आप एकदम सेफ रखिएगा कि आप नाइट मार्केट में आप शॉप कर सकें। फिर हम 26 को 26 की दोपहर में हमारी फ़्लाइट थी 1-2 बजे, फिर हम वहाँ से होटल से निकले आराम से, और फिर वहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया, और फिर हम वहाँ से हनोई से चले गए थे दनांग। तो हमें दनांग पहुँचते काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट रात हो गई थी। तो हम जहाँ रुके थे वो एक 4-स्टार होटल थी, तो अगर आप किसी भी दनांग में 4-स्टार होटल में रुकेंगे ना, तो वो आपको फ्री में साइकिल्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ पे साइकिल से अपना जाओ घूमो। मतलब हमें रात हो गया था तो हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम बस खाने के लिए आसपास गए थे, और उसके बाद बाजू में ही हमारा ये था सी व्यू था, ओशन व्यू था, तो हम ओशन के पास जाके थोड़ी देर बैठे, 1-2 घंटा हमने बातें की, हम टाइम स्पेंड किए, फिर हम बैक टू होटल आ गए, और फिर नेक्स्ट डे 27th को हम चले गए बाना हिल्स। तो बाना हिल्स हमने किया था क्लुक से ही, क्योंकि वहाँ पे हम, हाँ एक चीज़ और, अगर आप वियतनाम जा रहे हैं ना, तो आप पक्का से गूगल ट्रांसलेट आप इंस्टॉल कर लेना। अगर आपके पास आईफोन है तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑलरेडी ट्रांसलेट इनबिल्ट एक ऐप आती है, उसमें आप आराम से जो भी आपको डालना है आप बोल सकते हो, या फिर उसमें लिख सकते हो और उनको ऐसे दिखा सकते हो। पर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट पक्का से एकदम बुकमार्क कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल भी लोगों को समझ में नहीं आती है। तो हम बाना हिल्स गए, और बाना हिल्स में वो पूरा दिन आपका बाना हिल्स में लग जाएगा, और आप रिटर्न आओगे तो बेसिकली 8-9 बज जाएगा, तो आप उस दिन कुछ भी नहीं कर पाओगे। लंच वगैरह सब हमारा वहीं पे इंक्लूडेड था उसी टिकट में, और फिर हम रात में आए, फिर हमने डिनर किया, और उसके बाद फिर 28th को हमने थोड़ा सिटी एक्सप्लोर किया, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छी जगह है, तो हम वहाँ पे सिटी एक्सप्लोर किए, और उसके बाद शाम में हम वहाँ से निकल गए होयान के लिए। होयान एक सिटी है, वहाँ पे बहुत सारी लैम्प्स, मतलब लैम्पिंग स्ट्रीट या फिर ऐसा ही लाइटनिंग स्ट्रीट लोग कहते हैं, तो वहाँ के लिए हम निकल गए, और फिर वहाँ पे हमने थोड़ा हमने कैफ़ेज़ वगैरह में बैठा, और मतलब मज़ा आया। बेसिकली वो आपको एक नाव पे ले जाएंगे, और नाव पे ले जाके आपसे, मतलब वहाँ की ऐसी मान्यता है कि आप जो भी विश करके उसको पानी में जब बहाते हो तो आपकी विश पूरी होती है, कुछ ऐसी उनकी मान्यता है, तो हमने वो भी किया, एज अ फॉरेनर हम करते ही, मतलब हमने किया वो। उसके बाद फिर हम वहाँ से हम लोग फिर 1 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी दनांग से होचीमिन के लिए, तो फिर हम और एक चीज़ है, अगर आपको मतलब हम लोगों ने इसलिए फ़्लाइट बुक किया था ना, क्योंकि हमें लगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो ऐसे हमारा मतलब एक दिन बर्बाद नहीं होगा, हम जल्दी जल्दी मतलब वो दिन हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि 5-6 घंटे का
होगा तो हम दोनों साइड कवर कर लेंगे, पर आई वुड सजेस्ट कि आप फ्लाइट मत ही कराओ। अगर आपको आपको कराना है तो आप ट्रेन या फिर आप बस से ही जाओ, क्योंकि फ्लाइट से भी जाओगे तो आपके 6-7 घंटे लगने ही है। दो वो दिखाते हैं ना कि 1 घंटे का ही डिस्टेंस है, पर आप पहले पहुंचोगे, पहले आपको ये वहाँ पे फ्लाइट का भी डिले हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब अगर आप वियाजेट से कराते हो, हमने वियाजेट की फ़्लाइट कराई थी, तो वो डिले होनी ही होनी है। तो यही है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बस या ट्रेन करा लेना, क्योंकि बस में आप रात में बैठोगे, पूरे दिन आपने सिटी एक्सप्लोर किया, रात में आप बस में बैठे और सुबह सुबह आप पहुंच गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो ऐसे आपको। और वहाँ की बसेस भी ना बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, क्योंकि जब हम दनांग में पाना हिल्स गए थे तो वो सेमी लग्जरी बस जो होती है ना, वैसी बस थी, मतलब आप उस पर सो सकते हो, सेमी स्लीपर काइंड ऑफ थी और काफ़ी लग्जरियस बस थी, तो आप जा सकते हो उस बस पे। फिर हमने 21st को तो वैसा कुछ खास किया नहीं शाम में, और हम सिटी के एकदम बीचों बीच थे, तो वहाँ पे भी हमने बाइक रेंट किया था। हमने दनांग में बाइक रेंट नहीं किया था, नहीं, हमने दनांग में भी एक दिन के लिए बाइक रेंट किया था, जिस दिन हम होयान सिटी गए थे तो उस दिन हमने बाइक रेंट किया था बस एक दिन के लिए। उसके बाद फिर होचेमिन में हमने 3 दिन, जितने भी दिन हम रुके थे, 2, 3, 4 और 5 को हमने वापस कर दिया था उनको, उनका बाइक तो हमने रेंट किया था। तो हमने फिर क्या किया, 2 तारीख को हम उनके जो नॉर्मल ये शॉप्स वगैरह होते हैं ना, सामने में ही एक मार्केट था हमारे होटल के, जस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक होटल था, सॉरी एक मार्केट थी, तो हम वहाँ पे गए। फिर हम मतलब वहाँ पे होचेमिन में जितने भी मेन अट्रैक्शंस थे हमने वो कवर किया, और फिर हम लास्ट के 2 दिन हमने सिटी एक्सप्लोर किया, वहाँ का फूड एक्सप्लोर किया, वहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप वो मिस मत करना। 1-2 दिन रखना ही, मतलब 1 दिन तो कम से कम रखना ही वहाँ के सिटी का फूड टूर के लिए, क्योंकि वो स्पेशली, मतलब आप अगर आप क्रूक्स वगैरह पे देखोगे ना, तो स्पेशली 1 दिन का वो लोग ऐसा फूड टूर करके एक पैकेज आता है वहाँ पे वहाँ के लिए, तो आप वो तो मिस बिल्कुल भी करना ही नहीं। और फिर आप चूचू टनल कवर कर लेना, तो उसके बाद चूचू टनल से थोड़े ही आगे पे एक और कायकिंग वाला है, तो हम वहाँ पे भी गए थे, और फिर वहाँ से हमें लौटते लौटते पूरा रात हो गया था, तो 1 दिन तो हमारा उसी में चला गया था। और क्या, 1 दिन हमने सिटी के लिए ट्रैवल के लिए, मतलब पूरा सिटी एक्सप्लोर और फूड एक्सप्लोर के लिए रखा था। और फिर हम 5 तारीख को बैक टू बैंगलोर आ गए थे, नहीं बैंगलोर नहीं आए थे एक्चुअली, हमारी फ़्लाइट थी मुंबई से,